हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनी जीएस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो वार्षिकांक 2021 के अंतर्गत 622 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ये प्रश्न सितंबर 2020 से लेकर 1 अगस्त 2021 के बीच के सभी करंट अफेयर्स से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, 622 एमसीक्यू, और यह सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त 2020 से लेकर 1 अगस्त 2021 तक के सभी प्रश्न होंगे, जिसमें हम टोक्यो ओलंपिक के भी सभी एग्जाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कंटेंट्स में दिया गया है, टोटल 36 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ टाइप के सभी प्रश्न। यहाँ पर 97 पेज नंबर से लेकर 124 पेज नंबर तक के बीच में दिया गया है ये एमसीक्यू, तो हम सभी को कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि 600 प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में लेने वाले हैं, 622 प्रश्नों को। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया है, तो आंसर क्या होगा, 1 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं नजीब मिकाती। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये नंदू नाटेकर 88 वर्ष के थे, भारत से संबंधित थे, और ये किस खेल के थे, किस खेल से संबंधित थे, भारत के थे। तो आंसर क्या होगा इसमें, बैडमिंटन से संबंधित थे। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आंसर क्या होगा इसका, फिलीपींस। हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, राकेश अस्थाना। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 28 जुलाई को। कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आंसर क्या होगा, नासिर कमल। कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो ये पूरी ओडिशा का शहर है, ड्रिंक फ्रॉम टैप, इसका मतलब ओडिशा के सभी घरों तक टैप के माध्यम से पीने वाला पानी पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो रामप्पा मंदिर किस राज्य का है, तो ये तेलंगाना का है। टोटल भारत के कितने शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, तो टोटल 40 शहर शामिल हैं, और यह किस नंबर का है, तो ये 39वें नंबर का रामप्पा मंदिर है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, सीआरपीएफ का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 27 जुलाई को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, ये ओडिशा के द्वारा। हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अभिधाबू के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड ACDCCI के उपाध्यक्ष बने हैं, तो कौन बनाए गए हैं ये, आंसर क्या हो इसका, होगा इसका, बी यूसुफ अली। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में किस देश के खिलाड़ी योंग किसान ने पहला स्वर्ण पदक जीता, ये किस देश की थी, तो यह होगा चाइना की थी, आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, तो किसे दिया गया है ये, प्रमोद सावंत को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या आंसर होगा इसका, 26 जुलाई को। हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो इसका आंसर होगा बी 107 वर्ष। हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है नंगोम बाला देवी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे AIFF पुरस्कार
पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है, आंसर क्या होगा इसका, संदेश झिगन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है, तो किस शहर में खोला गया है ये, एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं, हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, ये हैं एरियन हेनरी। किस खेल को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की सॉरी किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है, तो किस देश को मिला है 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी, तो ये दिया गया है ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बनी है, पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, पेड्रो कॉस्टिलो। किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एम्ब्लेक्स नाम की ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण विकसित किया है, तो किस संस्थान ने किया है, तो ये किया है IIT रोपड़ ने। केंद्र सरकार ने किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है, तो किस शहर में बनाने का फैसला किया गया है, नोएडा में। नेक्स्ट है, हाल ही में IOC ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है, तो किस राज्य में किया है, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ऐसा भारत का पहला राज्य कौन बना है, महाराष्ट्र। हाल ही में कौन HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं, कौन बनाए गए हैं ये, तो आंसर क्या होगा, सी विजय कुमार। हाल ही में किस पूर्व गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान दिया गया है, तो कौन है ये जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है मोहन बागान रत्न सम्मान, तो ये हैं शिवाजी बनर्जी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है, तो किस राज्य सरकार ने किया है ये, राजस्थान ने। कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है, तो कौन बनी है, सीमा नंदा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो किसे दिया गया है ये, आंसर क्या होगा, टाइटन को। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो क्या रख दिया गया है, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, अब यह दोनों के लिए होगा। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा, तो ये बनेगा पटना बिहार में। दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, ये कौन थे, तो यह एक पत्रकार थे जिनका निधन अफगानिस्तान में हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी, तो ये किस शहर में चलेगी, नोएडा में। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हुआ है, तो ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, पाकिस्तान के। हाल ही में इसराइल में दूतावास खोलने वाला होगा, खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है, तो ये बना है UAE। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है ये, कर्नाटक के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है, तो ये कर दिया है 28%। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला ग्रेन ATM किस शहर में खुला है, तो ये खोला गया है गुरुग्राम में। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। नेक्स्ट है, NTPC को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है,
तो ये है राजस्थान। हाल ही में ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं ये? आंसर क्या होगा? दीपक काबरा। किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुधीर मन कप की मेजबानी मिली है? तो किस देश को दिया गया है ये? चाइना को। नेक्स्ट है, किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो ये दिया गया है भारत को, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं शेर बहादुर देउवा। नेक्स्ट है, जून 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सोफी इक्लेस्टोन, और ये इंग्लैंड की हैं। जून 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंच ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो पुरुषों के लिए यह किसे दिया गया है? ये हैं डेविन कॉनवे, और ये न्यूजीलैंड के हैं। किस राज्य सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो ये किया है असम सरकार ने। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशवर शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे क्रिकेट से संबंधित। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्ला रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये बांग्लादेश के हैं। हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? यूरो कप 2020 का खिताब जीता है, तो ये जीता है इटली ने। हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है समीर बनर्जी ने। किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? तो ये किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है अर्जेंटीना ने। किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो ये किस शहर में किया गया है भारत के? नागपुर में। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 21 जुलाई को। किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गाइन खुला है? तो ये किस शहर में खोला गया है? चंडीगढ़, सॉरी, यहाँ पर देहरादून में खोला गया है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो यह किस अभिनेत्री ने किया है? तो ये करीना कपूर खान की है। किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? तो ये जीता है जाइला अवान्त गॉर्डे ने। हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बनाए गए हैं? तो ये श्रीलंका के हैं। किस देश में हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया है? कितना ऊंचा है? 21.16 मीटर। किस देश में है ये? तो ये है डेनमार्क में। हाल ही में अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो ये किस शहर में किया है अमेजॉन ने? सूरत में। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो ये क्या, कौन सी अभिनेत्री है? विद्या बालन। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये थे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये हॉकी से संबंधित थे। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हुआ, ये किससे संबंधित है, क्या थे ये? तो यह एक अभिनेता थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? कौन बनाए गए हैं कर्नाटक के नए राज्यपाल? थावर चंद गहलोत। हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु किस देश के द्वारा एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया गया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है ये? चीन ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है?
तो गोवा के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? P.S. श्रीधरन पिल्लई। कौन महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो ये मिताली राज है भारत की। हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? तो कौन बनी है ये? आंसर क्या होगा? 81 का माना पटेल। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो किस शहर में बनाया जाएगा ये? दुनिया का बड़ा है और तीसरे नंबर का है, तो ये बनाया जाएगा जयपुर में। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? अब 62 वर्ष की उम्र में LIC के चेयरमैन सेवानिवृत्त होंगे। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं KN भट्टाचार्य। किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है? तो ये कौन है? ये है मरियप्पन थंगा वेल। कौन उत्तराखंड के गिरह में मुख्यमंत्री बने हैं? तो कौन बनाए गए हैं उत्तराखंड के गिरह में मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी बनाए गए हैं। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त किया है घोषित किया है? तो चाइना को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? विवेक राम चौधरी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बने हैं? तो ये कौन है? अभिमन्यु मिश्रा है। नेक्स्ट है, भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य अब कौन सा बन गया है? तो ये है गोवा, बेहद इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? तो कौन बनी है ये? आंसर क्या होगा? शेफाली वर्मा। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है 30 जून को। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जून को। दोनों 30 जून को ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं ये? आंसर क्या होगा? शंभुनाथ श्रीवास्तव। हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली क्रिकेटर बनी है? तो कौन बनी है ये? आंसर क्या होगा? अंशुला राव है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने हाल ही में किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का। हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? मनीष महात्मे को। कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं ये? जेरेमी केसर। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं प्रवीण सिन्हा। जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है P. साईनाथ को। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है? तो ये रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है और भारत का 52वां बाघ अभयारण्य है। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। हाल ही में मेंढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्टिस कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है केरल में। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का, और ये पहले विकलांग होंगे, ESA ने ऐसा फैसला किया है इन्हें नियुक्त करने का। हाल ही में जारी 2021 वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो कौन सा शहर बन गया है ये? तो ये है असगाबाद और ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है।
कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? तो ये किस देश, हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? यहाँ पर कौन नहीं होगा, कहाँ ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बनाए गए हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? भारत। ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर भारत में बनाया गया है ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी, तो भारत में बनाया गया है, लेकिन ये किस देश के थे? तो ये ब्रिटेन के थे, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्वेश्चन काट दीजिए। किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? तो किस देश ने रोक लगाई है? ये ब्रिटेन ने। ओलंपिक ए कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो ये बने हैं साजन प्रकाश। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ को। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं सुरेन एन पटेल। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? पहली कुलपति हैं, तो ये कौन बनाई गई हैं? करणम मलेश्वरी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो कौन बने हैं ये? जमशेद जी टाटा। नेक्स्ट है, किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा प्रदान किया है? तो ये है अल सल्वाडोर। हाल ही में कौन वन प्लस की वियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये हैं जसप्रीत बुमराह। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डेबी हेविट को। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? तो किस राज्य में लगाया गया है? तो ये लगाया गया है असम में। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है, तो आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है बिहार के द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन विजन भेजने की घोषणा की है? तो किसने किया है ये? ESA ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। हाल ही में कौन IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो ये कौन है? मवाया सूदन। आंसर डी होगा, 124 नंबर का। 125 फ्रेंच ओमेन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविक। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही हैं? तो ये रही हैं बारबोरा क्रेजीकोवा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो ये ज्वालामुखी है नीरागोगो, ये किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कांगो गणराज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, तो ये कांगो गणराज्य देश में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 135वां। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है ऑकलैंड को। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? अनूप चंद्र पांडे। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो किसने बनाया है ये? गूगल ने।
ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है लॉरेन हबर्ड। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। हाल ही में प्रारंभ की गई SAGE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये किस मंत्रालय से इस परियोजना का संबंध है? तो आंसर इसमें डी होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया? तो ये किस देश की बात है? तो ये है माली की। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो ये किस भारतीय मूल की महिला ने 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो ये कौन है? आंसर क्या होगा? सुमित्रा मित्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तित्व ऋण योजना की शुरुआत की है? कवच व्यक्तित्व ऋण योजना, और ये योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये SBI बैंक। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? नैनो यूरिया लिक्विड, ये किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? IFFCO के द्वारा। एक लिक्विड होगा ये, जो अभी यूरिया की बोरी मंगाई जाती है वो एक सीसी में होगा, एक लिक्विड के फॉर्म में। एक आध लीटर, एक बोरी को एक लीटर में, एक आध लीटर में तब्दील कर दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बनी है? तो ये कौन है? ये है महमूद जमाल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इसमें? मध्य प्रदेश को। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ये कोसी नदी पर किया जा रहा है डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो ये किस देश की बात है? तो ये चाइना में है। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे कैनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये जाम्बिया के थे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो अफ्रीकी देश में है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो किस देश में मिला है ये? तो ये मिला है बोत्सवाना में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ, वह कौन थे? तो मिल्खा सिंह कौन थे आप सभी को पता होगा, एक धावक थे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है ये? राजस्थान। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो किस राज्य में स्थित है ये? किस राज्य ने घोषित किया है इसे? असम ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ पर है, किसको किया गया है? तो ये है अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस देश के साथ कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो किस देश के साथ किया है? थाईलैंड के साथ में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो किस देश से प्राप्त हुआ है ये? आंसर क्या होगा? डी सिंगापुर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI। डा हाल ही में भारत के लिए WHO मिशन में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं ये? आशीष चंदोरकर। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का क्या नाम है? रोबोट के रोवर का क्या नाम है? तो क्या नाम है इसका? वाइपर। हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं। तो कौन है ये हैं सत्या नडेला। हाल ही में नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है? तो यास का नामकरण किया गया था ओमान के द्वारा। निम्न में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा ये? गुजरात में। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्वदाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को इसमें 14वां स्थान दिया गया है विश्वदाता सूचकांक में। नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? नमस्ते योग ऐप, तो ये लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर क्या होगा? मुकेश शर्मा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, तो ये किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये है मध्य प्रदेश की पहल। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? ये अरुण कुमार सिन्हा हैं। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस ग्लोबल वाइन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जून को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ये है नितिन राकेश। किसे मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो ये किसे दिया गया है? तो ये है मुशफिकुर रहमीन और ये बांग्लादेश के हैं। किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये किस फिल्मों से संबंधित थे? तो ये कन्नड़ से संबंधित थे। नेक्स्ट है, 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन में 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये बेल्जियम में किया गया। हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो कौन बनाए गए हैं? ये अक्षय कुमार। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? देश का पहला है और लकड़ी से बना पहला उपग्रह है, दुनिया का पहला है और यह लकड़ी से बना उपग्रह है, तो ये किस देश ने लॉन्च किया है, लॉन्च करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व एवं व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र संगठन UNCTAD की नई महानिदेशक कौन बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई हैं रेबिका ग्रीन स्पैन। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? तो किसे दिया गया है ये? मेघा राज गोपालन को। नेक्स्ट है, 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो किस देश ने 47 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो यह किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं? तो कौन बना है ये? आंसर क्या होगा? डी होगा 180 का आशीष सर्राफ। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो
तो किस देश के द्वारा मेजबानी किया गया है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं न्यायमूर्ति मोनेश्वर नाथ भंडारी। कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है डेवी हेविट। हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो ये बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है इन्होंने? स्पूर्ति प्रिया को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से दो वर्ष 2030 तक दो रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किस ग्रह के लिए है ये? तो ये है शुक्र के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा रिवर्स फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से इसका संबंध है? असम से। भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। क्या नामकरण किया है इसका? तो इसका नामकरण यहाँ पर ए और तो यहाँ पे इसका नामकरण डेल्टा और कप्पा दोनों किया है, तो आंसर डी होगा। हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? ये आंसर डी होगा, हितेश दवे। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, आंसर क्या होगा हमारा? तो इसमें हमारा आंसर बी हो जाएगा, 8 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बनाए गए हैं? 193 का आंसर क्या होगा? संजीव नंदन सहाय। 21 जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय किस देश के द्वारा हाल ही में लिया गया है? तो ये रूस के द्वारा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ 200 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो किस संस्था के साथ में किया है? वर्ल्ड बैंक। किसके लिए? राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। हाल ही में भारत के मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं परेश बी लाल। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो किसके सहयोग से? नासा के। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा किया गया है ये? राजस्थान। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो इसकी थीम क्या थी? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो किसने किया है ये? स्पेस एक्स ने। 31 मई 2021 को कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर क्या होगा? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। कमिट टू क्यूट इसके विषय था और ये 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो कौन सा देश बना है? आंसर बांग्लादेश होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? असम के द्वारा। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 205 का आंसर क्या होगा? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। हाल ही में किस देश की सांग इन हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई है? तो ये किस देश की है? इन हंग सांग इन हंग। तो ये है
हांगकांग की। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहाँ आयोजित होगा? तो कहाँ पर आयोजित होगा ये? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस मनाया जाता है 28 मई को। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? संजय दत्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है? तो किस देश के द्वारा किया गया है ये? चीन के द्वारा। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 112 का आंसर क्या होगा? टीवी नरेंद्रन को। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु तो किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? तो कौन है ये? बीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है? आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? आंसर क्या होगा? बी सीरिया। हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पिन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो ये हैं अमर्त्य सेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो अमृत वाहिनी ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये झारखंड के द्वारा। अमेजोन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नए सीईओ अमेजोन के कौन बने हैं? एंडी जेसी। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो कौन है ये? आंसर क्या होगा? वरुण वेंकट रमन। हाल ही में एएसजीई में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं डी नागेश्वर रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 222 का आंसर क्या होगा? इरडा। नेक्स्ट है, हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो ये किस देश का शहर है अड्डू? तो ये इसका आंसर क्या होगा? मालदीव। नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आंसर भी होगा डेविड बर्निया। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक बनाए गए हैं। आंसर होगा डी सुबोध जायसवाल। हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? तो कौन है ये? अन्वी भूटानी। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को। फीफा अंडर-17 विश्व महिला कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? मैक्स वर्स टेपन के द्वारा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। हाल ही में किसने लॉ लीगा टाइटल 2021 के लिए 2021 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है ये? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा बी एटलेटिको मैड्रिड। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो
तो किसे शामिल किया गया है? आंसर डी होगा इसका, कोबे ब्रायंट। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे पर्यावरणविद। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य की सरकार के द्वारा वहाँ पे विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी गई है? तो ये है पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियन लीग 2021 ट्रॉफी जीती है? तो किस टीम ने जीती है? आंसर क्या होगा? बार्सिलोना। किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है ये? तमिलनाडु। वहां पे मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग दिया जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सी मोर्ग विकसित किया है? तो किस देश का है ये सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर? ईरान का। हाल ही में पिनरई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये पिनरई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो ये बने हैं केरल के। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS 1407 क्या है? तो ये क्या है? यह एक सोयाबीन की नई किस्म बनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान के नए सुरक्षा सलाहकार NSA कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये कौन बने हैं? मोइद यूसुफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है? तो ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? राजस्थान के। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया है ये? हरियाणा के द्वारा। हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में खिताब जीतने वाला पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं? तो कौन है ये? अर्जन फुल्लर। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं सतोशी उचिता। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? कर्नाटक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मई को। प्रतिवर्ष विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसिव एक्सरसाइज किया? तो ये पैसिव एक्सरसाइज किस देश के साथ किया भारत ने दक्षिण अरब सागर में? तो इसका आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया के साथ में। हाल में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? तो किस पड़ोसी देश के द्वारा किया गया ये? नेपाल के द्वारा। कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई है? तो कौन है ये? मीरा टंडन। किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है ये? इगा स्वीटेक ने। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या है इस वर्ष? तो थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। हाल ही में बाटा इंडिया के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं गुंजन शाह। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? जूलिया मोर है मिस यूनिवर्स 2020। गलत बोल दिया मैंने, ए नहीं होगा यहाँ पर, इंडिया मेजा है मिस यूनिवर्स 2020। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष भारतीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने
रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। जो किसके द्वारा किया गया है, ये असम के द्वारा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं, तो ये बने हैं रमेश पोवार। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, झारखंड को। निकट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मई को। कौन सा स्थान पंजाब का नया 23वां जिला बना है, तो इसमें से कौन सा है जो 23वां जिला बना है पंजाब का, इसका आंसर क्या होगा, मलेरकोटला। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो ये हैं अरुण कुमार सिंह। मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है, तो किस अफ्रीकी देश के द्वारा इसकी समाप्ति की घोषणा की गई है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है, तो किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है, तो ये जीता है शकुंतला हरक सिंह ने। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, पुणे में। हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये बनाई गई है ताहेरा कुतुबुद्दीन। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया है CBSE के द्वारा। किस देश के खिलाड़ी विजय वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये किस देश के हैं, यहाँ पर ये विजय वाटलिंग जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये हैं न्यूजीलैंड के। हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है असम। किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो ये केरल की थी। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो ये बना है पुदुचेरी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 मई को। कौन RBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो कौन नियुक्त किए गए हैं, जोस जे कटोर। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, तो ये किस देश के द्वारा की गई है, आंसर क्या होगा, पुर्तगाल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है, तो इस हिमखंड को नाम दिया गया है A76। हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है, तो किसे दिया गया है, ये बाबर आजम को। किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो ये किया गया है ओडिशा के द्वारा। हाल ही में हेमंत विश्व शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये हेमंत विश्व शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो ये हैं असम के। जनजाति स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है, तो किसके साथ समझौता किया गया है, ये किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। प्रतिवर्ष मातृ दिवस मदर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 मई के दूसरे रविवार को।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम है। तो इसकी थीम क्या है? कमिट टू क्यूट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है? ये किसके द्वारा जीता गया है? नाओमी ओसाका के द्वारा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। भारत में COVID-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया है? तो WHO के द्वारा B.1617 नाम दिया गया है। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ, वो कौन थे? तो ये वनराज भाटिया कौन थे? ये एक संगीतकार थे। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ा घाट लमेद घाट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ये थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो कौन सी बार के हैं? ये चौथी बार। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ, वह कौन थी? तो ये अभिलाषा पाटिल एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए भारत। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? M.K. Stalin। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? तो ये किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है? कामी रीता सेरपा के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? तो ये बनी है पश्चिम बंगाल की। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक सम्मान से किसे अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये रमेश पोखरियाल निशंक को। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मार्क सेल्बी ने। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है अल्बानिया में। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई? या किस देश में संपन्न हुआ है? इटली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये किस देश के हैं? ये हैं श्रीलंका के। विक्रमजीत कंवर पाल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे। BP कानून बोर्ड की जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं T. Ravi Shankar। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम ORS शुरू की गई है? तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है 2 मई को। किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर के द्वारा। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्मा COVID-19 को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की है? तो यह है चाइना। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं नीरज बजाज। वन्य अन्वेषक पुरस्कार वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? ये कृति करंत।
प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। रोहित सरदाना का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो रोहित सरदाना थे एक पत्रकार। भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 334 का आंसर क्या होगा? भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय सेठ। हाल ही में सीमा सड़क संगठन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनाई गई हैं? ये बनाई गई हैं वैशाली एस हिवासे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। हाल ही में एनसीडेक्स के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण रस्ते। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपी बंधु संवदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो यह किया गया है ओडिशा के द्वारा। सिपरी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है? तो कौन बन गया है? इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो किसे दिया गया है ये अवार्ड? एंथनी हॉपकिंस को। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं राजेश बिंदल। अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो ये अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यरूशलम में स्थित है ये। किस राज्य सरकार के द्वारा सी लैब स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। पंडित राजन मिश्र का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये कौन थे? ये एक गायक थे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? किसे चुना है? पीवी सिंधु को। नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर COVID-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोविशील्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो श्रवण राठौर एक संगीतकार थे। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है? सिक्किम में। HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अतनु चक्रवर्ती। अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो यह बनी है वनिता गुप्ता। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। हाल ही में नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनाई गई हैं? ये है रेखा मेनन। किस देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह थे चाड के। सुर्खियों में रहा मेफ्लवार 400 क्या है? तो यह क्या है? तो ये है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्जुन कल्याण। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर क्या होगा? 142वां। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रियंका मोहिते। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत का 84वां स्थान है। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस
कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका उद्घाटन पुर्तगाल में किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफोलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। हाल ही में किसे मार्च 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है ये? भुवनेश्वर कुमार को। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा ये? मारिया रेसा को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। कौन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए निदेशक बने हैं? तो कौन बने हैं ये? सिद्धार्थ लोकचाम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हुआ है? तो ये थे हॉकी से संबंधित। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सुशील चंद्र। बढ़ते COVID-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? तो यह था ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक बनी है? तो कौन बनी है ये? इसका आंसर क्या होगा? अंकिता चौधरी। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? नीरा टंडन को। वाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किसे दिया गया है? नोमैड लैंड को। पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन अम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सोनू सूद। UAE की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनाई गई हैं? तो ये हैं नोरा अल मदरूसी। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। नेक्स्ट है, RBI ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अब कितना कर दिया है इसे? आंसर क्या होगा? 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताऊते का नामकरण किस देश ने किया? तो इसको नामकरण किस देश ने की द्वारा किया गया? ताऊते का म्यांमार के द्वारा। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं संजीव कुमार। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, तो कौन है ये? ये थी चंद्रा नायडू। किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो किस देश ने दिया है? अमेरिका ने। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं मिशन निदेशक? ये है चिंतन बैशराव। कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बनाई गई है? तो कोसोवो की नई राष्ट्रपति बनी है, आंसर क्या होगा? वोजोसा उस्मानी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं एस रमण। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं, आंसर क्या होगा? सी सकूर राधेल। तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन सचिव नियुक्त किए गए हैं? अजय सेठ। किसके स्थान पर? तरुण बजाज के। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तरुण बजाज को। नेक्स्ट है, BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं ये? आंसर क्या होगा? सबीर खंडवाला।
हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है, तो किसे मिला है ये? सुमन चक्रवर्ती को। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं एन.वी. रमण। अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन सा राज्य बन गया है ये? आंसर क्या होगा? ए, हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? ये दाहला बांध न्यूज में रहा है और यह किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? तो भारत और किस देश के बीच किया गया है ये? यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये कौन थे? ये एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट है, हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आदिल जैनुल भाई। किस देश के द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री परिषद बैठक का आयोजन किया गया? तो किस देश के द्वारा किया गया है? ए और बी, यहाँ दोनों आंसर होगा, आइसलैंड और जापान दोनों के द्वारा। हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन है ये? मल्लिका श्रीनिवास। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, मुखमीत एस भाटिया। भारत एवं फ्रांस की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किस देश में किया गया है? आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? तो यह किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें कौन सा स्थान दिया गया है? तो स्थान है 140वां। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तेलंगाना में। किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश ने रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस संगठन ने राष्ट्र सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम सी-सैक शुरू किया है? तो किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है ये? आरबीआई के द्वारा। पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध हटा दिया? तो किन चीजों का आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था और बाद में हटाया गया? चीनी कपास और सूर्य। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? तो कब मनाया गया ये? डेट क्या है इसकी? 31 मार्च। हाल में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं रजनीकांत। नेक्स्ट है, हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत। किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए के अनुदान की सहायता प्रदान की है? तो किसके द्वारा किया गया है ये? भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? तो किसे दिया गया है ये? शरण कुमार लिम्बावे को। किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत छूट का प्रस्ताव रखा है? अगर आप अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कर देते हैं, उसके बाद में उस सर्टिफिकेट को दिखा के आप नया वाहन खरीदते हैं, तो इसके लिए आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाएगा? तो टोटल 25% का डिस्काउंट नए वाहन पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, किस बैंक को एशियामनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? तो आंसर क्या होगा इसका? HDFC बैंक। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो आंसर क्या होगा? इरफान खान।
फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा, बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है किसे, इसमें तापसी पन्नू को। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 464 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो यह इन्होंने कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि 465 करोड़ मंजूर किए हैं? तो आंसर क्या होगा इसमें हमारा, टोटल 7 राज्यों के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी PMC बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो किस तारीख तक बढ़ाया है, 30 जून 2021 तक। हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर, गोरखपुर में। नेक्स्ट है, 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 28वें हुनर हाट का उद्घाटन गोवा में किया गया। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो इसका आंसर क्या होगा, द ग्रेट खली। हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो किस सिंगर को किया जाएगा, ये आंसर क्या है, आशा भोसले। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो किसने शामिल किया इसे, 418 का आंसर क्या होगा, किरण रिजू। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 40वां। हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कौन है ये, शरद पगारे। किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया? तो किसके द्वारा किया गया, ये आंसर क्या होगा, बिहार। नेक्स्ट है, विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है ये, 27 मार्च को। AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है? तो किस शहर में शुरू किया है इन्होंने, ये वाराणसी में। नेक्स्ट है, वाराणसी कहाँ पर स्थित है, UP में। हाल ही में भारतीय तट रक्षक जहाज ब्रज को कहाँ कमीशन किया गया है? तो कहाँ पर इसे कमीशन किया गया है, आंसर क्या होगा इसका, बी चेन्नई में। हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? तो ये बन रही है नॉर्वे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, मध्य प्रदेश। रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सेटेलाइट लॉन्च किए? तो ये 38 सेटेलाइट लॉन्च किए गए रूस के द्वारा, और ये कितने देशों के थे, तो आंसर क्या होगा, टोटल 18 देश। हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही है? तो भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी इसमें पहले स्थान पर रही है, आंसर क्या होगा, शेफाली वर्मा। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये किसे दिया जाएगा, शेख मुजीबुर रहमान को। किस देश में स्थित संघे ज्वालामुखी फटा है? तो ये संघे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये है इक्वाडोर में। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है, 5 लाख। मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच है, तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? नंदिनी नदी महोत्सव का समापन यह 2 दिवस के लिए होता है, कहाँ पर किया गया, तो ये है मंगलोर। विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसमें से विश्व जल दिवस 2021 का जो थीम थी वो क्या थी, वैल्यूम वाटर। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? तो 2020 का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो आंसर क्या होगा हमारा, बी बंग बंधु शेख मुजीबुर
मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया? ये सही दिशा सम्मान अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? आंसर क्या होगा? UNDP। किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? तो किस देश ने पारित किया है ये? स्पेन ने। कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? तो कौन उभरा है ये? मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कंगना रनौत को। शहीद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च को। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? छिछोरे को। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो कितने महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा? 1 महीने का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फिनलैंड को। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यवाहक या महासचिव चुना गया है? तो किसे चुना गया है ये? आंसर क्या होगा इसमें? दत्तात्रेय होसाबले। नेक्स्ट है, सामिया सुलहु हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो किस देश की है ये? 46 का आंसर क्या होगा? ए, तंजानिया। भारत में पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो किसने जीता है ये? हरियाणा ने। अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कहाँ किया गया इसका उद्घाटन? ढाका में। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? कौशल्या शंकर। ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं रिज़ अहमद। किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदला है? आंसर क्या होगा इसमें? बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एलियट तेज। किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के लिए SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? आंसर क्या होगा? बी, माइकल होल्डिंग। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 16 मार्च को। किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो किस देश के द्वारा लगाया गया है ये? रूस के द्वारा। केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की है? तो 74% तक। हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? GP सामंत को। यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा किया गया है ये? यहाँ पर सिंगापुर के द्वारा। नेक्स्ट है, पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया? तो कौन है ये? सोमालिया। संसदीय समिति के सरकार ने पास्को एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो कितने वर्ष? 16 वर्ष। निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, धनलक्ष्मी है। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से
कौन बन गई है, तो कौन सी राजधानी सबसे प्रदूषित है, तो यह है दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है, आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है, तो किस ऐप को लॉन्च किया गया है, मेरा राशन ऐप। निम्न में से कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, तो आंसर होगा अमेरिका। निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा, तो किस राज्य में किया जाएगा काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन, तो आंसर होगा इसमें उत्तर प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी जॉनसन एंड जॉनसन। स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, तो स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने ऐसा फैसला लिया है, तो आंसर क्या होगा, श्रीलंका। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है, तो आंसर होगा क्रेग ब्रेथविट। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं, तो इसका आंसर होगा बी हसमत उल्ला साहिरी। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं, तो आंसर क्या होगा इसमें, मिताली राज। हाल ही में हेरथ उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये हेरथ उत्सव मनाया गया है कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में। किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है, तो अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किस देश के द्वारा शुरू किया गया, तो इसमें आंसर क्या होगा, फ्रांस। किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है, तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, नाइजर के। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डिस्क कहाँ खोला गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए तेलंगाना में। किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है, तो किस राज्य को दिया गया है ये, मध्य प्रदेश को। डस्ट लीक भारत किस देश के बीच डस्ट लीक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है, तो भारत और किस देश के बीच है ये, आंसर होगा उज़्बेकिस्तान। निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अकाइव्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तो किसे सम्मानित किया जाएगा, आंसर क्या है, अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है, तो भारत और किस देश के बीच है ये, बांग्लादेश। किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है, तो किस राज्य में खोला गया है ये, आंसर होगा उत्तराखंड। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है, तो किस राज्य को पहला स्थान दिया है, ओडिशा को। किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है, तो किस देश के द्वारा लगाया गया है ये, स्विट्जरलैंड। जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। किस देश ने अपने रक्षा बजट 6.8% की बढ़ोतरी करके 209 अरब डॉलर कर दिया है, तो किस देश ने किया है ये, चीन ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है, तो कौन बनी है ये, आंसर होगा लिविया नोरोन्हा। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है, तो इसमें कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है, आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट है, EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत तक बनाए रखने का फैसला किया है, आंसर होगा 8.5%। किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो किसे किया जाएगा ये, मोहन कृष्ण बोहरा को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना की है, तो इसका आंसर होगा ए अमेरिका को।
चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एमसी मैरी कॉम को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है? तो कौन बन गया है इसमें? कीरोन पोलार्ड। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? हरियाणा के द्वारा। राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया है? तो अब इसे क्या नाम दिया गया है? आंसर क्या होगा? संसद टीवी। नेक्स्ट है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? 101 करोड़। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या होगा? रवि कपूर। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? आंसर क्या होगा इसका? नागालैंड। हाल ही में बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राम माधव के द्वारा। ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाजों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है बिहार के। किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया है? ये रूस ने। हीरो इंडियन वीमेन लीग 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका कौन करेगा? ओडिशा करेगा। भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत अलोवेट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? तो ये किया है चीन को। नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य अकादमी, तो यहाँ पर चीन नहीं, गलत बता दिया मैंने, बांग्लादेश को किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? वेलचोरू राव को। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो हुक्का कहाँ पर प्रतिबंध किया गया है? झारखंड में। किस देश की सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा को यूएन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? कहाँ पर नियुक्त किया गया है इन्हें? रूस में। किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? तो ये किस देश का पारंपरिक लालटेन महोत्सव है? तो इसका आंसर होगा चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा रूस। विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एनजीओ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 फरवरी को। भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बड़ी सहमति की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा बी, चीन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबला को भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है ये? 1 मार्च को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की
खोज की है, तो कहाँ पर है ये? झारखंड में। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए 3 साल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए अंजलि भारद्वाज को। निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? तो आंसर क्या होगा? अमेरिका। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? तो इसका आंसर क्या होगा? 3, 12 स्थानों को। दुनिया के सबसे तेज क्रिकेटर ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके स्थान पर करने की घोषणा की गई है? तो किसके स्थान पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो ये है उत्तराखंड। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका आंसर होगा डी अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो यहाँ का नाम किया जाएगा नर्मदापुरम। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा 13,700 करोड़ रुपए। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई है? तो कहाँ की बात है ये? तो यह है पुदुचेरी। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति प्रदान की है? तो किस देश ने किया है ये? सऊदी अरब। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और इथियोपिया। किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाले कंपनी अन एकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीति निवेश किया है? तो किसने किया है इसमें? ए सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी 363 करोड़ रुपए। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर होगा ए नोवाक जोकोविक। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष किया है? तो 14 से घटाकर 12 वर्ष कर दी गई है। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है ये? जीता है नाओमी ओसाका ने। नेक्स्ट है, किस देश के तेज गेंदबाज थामिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो किसने किया है ये? इसका आंसर क्या होगा? 40 श्रीलंका। विश्व पैगोलिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे शनिवार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच ऑफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश के हैं ये। नेक्स्ट है, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? तो किसे चुन लिया गया है? सीको हाशिमोतो को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो किसने कराया है ये? मंगल ग्रह पर कराया गया है ये, और यहाँ पर अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कराया है। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। दक्षिण अमेरिका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? तो कौन है ये? मिस
क्रिस मॉरिस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी प्रदान किया है? इसका आंसर क्या होगा? बी, मॉरिसस। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हैं फॉफ डू प्लेसिस। भारत की ओर से नियुक्त किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? अजय माथुर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्य जीव अभयारण्य में हेमरिस सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई? तो यह किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। क्या स्थित है? करलापट वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में स्थित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 86वें स्थान पर। किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने किया है? ये ओडिशा ने। हाल ही में किस देश ने टेरा फुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान किया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? ये अमेरिका के द्वारा। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में से निम्न में से किसे हॉल फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? ये एकता कपूर को। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितना दिन कर दिया गया? तो कितना दिन किया गया? 30 दिन। आईपीएल टीम किम्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या किया है? तो टीम का नाम बदलकर किया गया है पंजाब किंग्स। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? तो किसे किया है? प्रोनिता गुप्ता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुलेह देव के स्मारक का शिलान्यास किया? तो ये बहराइच किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया 13 फरवरी। निम्न में से किस देश की टीम ने T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान की है ये। किस देश की धाविका बैट्रिस चिप कोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये धाविका किस देश की है? तो इसका आंसर होगा केन्या की है। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है? तो इसका आंसर होगा बी, रोहित चोपड़ा को। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है? 1.25 लाख प्रतिमाह। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कगली को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है? किसके द्वारा किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुभव से बाहर कर दिया है? तो ये दो पहलवान कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सुशील कुमार और साक्षी मलिक। नेक्स्ट है, कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बना है? तो कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगर। हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवे मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? तो ये किस देश का है? चाइना का है, चीन का। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त करने का फैसला किया है? तो किस मुख्यमंत्री सर्बानंद ने किसे नियुक्त करने का फैसला किया है? इसका आंसर क्या होगा? हीमा दास को। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर अमेरिका ने निर्णय लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में
ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की हैं। तो यह किसने किया? उत्तराखंड ने। भारतीय तेज गेंदबाज ईशान शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो ये कितने विकेट इन्होंने लिया है? आंसर क्या होगा इसका? बी 300 विकेट। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो कौन है ये? 553 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए स्टीव स्मिथ है। नेक्स्ट है फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियंस लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? तो कितने साल का करार किया है? एक साल का। निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया? ऋषभ पंत को। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेखा को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे, कहाँ की है ये? ओडिशा की। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो ये किया है 12,000 करोड़ रुपए का। किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक ID नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो किसके द्वारा किया गया है ये? उत्तर प्रदेश के द्वारा। भारत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार COVID-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व में ये अब मायने नहीं रखता, तो आप ये प्रश्न काट दीजिए। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की? तो इसका आंसर क्या होगा? सी 2030 तक। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2020-21 की लिस्ट में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो आंसर क्या होगा? 50वें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? बी 47,000 करोड़। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डव एंड फिल्पस की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए विराट कोहली। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोलवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है RBI ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत तक बरकरार रखा है? तो कितने प्रतिशत तक बरकरार रखा है? 4%। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो 5 साल के लिए। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किसके द्वारा किया गया? पाकिस्तान के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को। नेक्स्ट है भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए 53वें स्थान पर। सऊदी अरब में कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया? टोटल 20 देशों पर। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु तो एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ब्रिटेन के द्वारा। पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वाघई विली मोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर 592 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी गुजरात। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कुष्ठ दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए जनवरी के अंतिम रविवार को। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर
आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा, CRS शर्मा को। हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो किसने किया है ये, आयशा अजीज ने। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है, आत्मनिर्भरता। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने का घोषणा किया है, उनकी जगह किसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? तो किसे दी जाएगी ये जिम्मेदारी, एंडी जेसी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा, C पंजाब के द्वारा। हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 86वां स्थान। हाल ही में किसे 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है, ये है CP मोहंती। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है राजेश कुमार भंडारी को। हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर क्या होगा, B चेन्नई। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 दिया गया है? तो कितने लोगों को दिया गया है, टोटल 119 लोगों को। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय क्या था, COVID-19 ईयर था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को सर्वप्रथम पुरस्कार प्रदान किया? तो ये था उत्तर प्रदेश की झांकी। हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त किया है? तो किस देश ने प्राप्त किया है इसके लिए भौगोलिक संकेतक संकेत, तो ये प्राप्त किया है पाकिस्तान ने। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा किया गया, आंसर क्या होगा इसका, C भारत। नेक्स्ट है, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी? तो कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जाएगी, 7.7। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो टोटल 11%। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को इसमें रखा गया है 7वें स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 7.3%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र में। जापान के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो कौन है ये, आंसर क्या होगा, शिंजो अबे। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 950 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर क्या होगा, B 40। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन में ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है, आंसर क्या होगा, तारक शाह को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? तो कितने बच्चों को दिया जाएगा ये, टोटल 32 बच्चों को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है, कुमार संगकारा को। तो इस वीडियो में हमने स्पीडी वार्षिकांक के अंतर्गत दिए गए
सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न टोटल 622 थे, सभी को कवर किया है। इसमें हमने टोटल 36 नंबर का ये जो चैप्टर है इसके वस्तुनिष्ठ में दिए गए सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है। उसके यहाँ अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर एक वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी टोटल करंट अफेयर के यहाँ पर प्रश्नोत्तर वन लाइनर टाइप के। एक वीडियो में हम पूरा वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे, 102 दिन में हम इसकी वीडियो भी लेकर आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये बाकी जितने भी टॉपिक दिए गए हैं इन सभी को भी हम एक से दो वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ पर कौन क्या, नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल व मुख्यमंत्री भी कवर करेंगे, भारत के उच्च न्यायालय, विश्व के देश कौन क्या कहाँ हैं, भारत एवं विश्व में प्रथम 2021 वर्ष 2021 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन, प्रमुख मोबाइल पोर्टल एवं ऐप एवं पोर्टल नए जो भी कोविड-19 दो साल के 19 से 21 के बीच जितने भी नई पोर्टल और ऐप जारी किए गए हैं उन सभी को हम देखेंगे। और यहाँ पर नए ब्रांड इन्वेस्टर अभियान एवं संस्थाओं के ब्रांड इन्वेस्टर किसे किसे बनाया गया है ये भी देखेंगे। भारत की जनगणना 2011 ये भी देख लेंगे जो भी इस बुक में दिया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। 19 से 21 के बीच दिए गए सभी सैन्य अभ्यास भी देखेंगे। नवगठित जांच एजेंसियां, समितियां एवं आयोग देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दृष्टि में सभी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने हैं उनके बारे में जो भी दिया गया है, मुख्य मुख्य उनकी स्थापना क्या होती है, वर्ष क्या है, मुख्यालय कहाँ है, तो ये यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये सभी टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किए गए हैं उनके बारे में संपूर्ण परिचय जानेंगे। और कोविड-19 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी जानेंगे। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट क्या क्या है, भारत सरकार के द्वारा प्रमुख रिपोर्ट कौन कौन सी जारी की गई है उसे जानेंगे। और आर्थिक समीक्षा 2020-21 से कितने प्रश्न बन सकते हैं, और केंद्रीय बजट 21-22 के लिए और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं क्या क्या हैं, 2014 से लेकर 2021 के बीच केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं कितनी हैं उन सभी को हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे राज्य सरकार की भी कितनी योजनाएं हैं, तो आप में हमको राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को देखने वाले हैं। और यहाँ पर सूचकांक रिपोर्ट 19 से 21 के बीच में कितने सूचकांक और रिपोर्ट जारी की गई हैं उन्हें देखेंगे। और आर्थिक परिदृश्य से संबंधित भी महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुख्य टॉपिक दिए गए हैं वो भी कवर करेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020-21 में किसे किसे कौन कौन से खेल पुरस्कार दिए गए हैं वो सभी हम इस वीडियो में इसी चैनल पर कवर करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर किसे पुरस्कार दिया गया है, सम्मान दिया गया है, कौन कौन से पदक दिए गए हैं सभी पुरस्कार भी हम इसे यहाँ पर देखेंगे। और टोक्यो ओलंपिक 2021 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो भी कवर करेंगे। और इसके अलावा टोक्यो के अलावा खेल परिदृश्य से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, खेल के अलावा टोक्यो के अलावा जो भी अन्य खेल हैं उनसे जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो भी कवर करेंगे। और यहाँ पर नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक दिए गए हैं, तो नवीनतम कौन कौन सी किताबें लॉन्च की गई हैं 2019 से लेके 21 के बीच में, तो उसे भी हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं, मैंने अभी आपको 622 प्रश्न करवाए, इसमें से मेरे हिसाब से तो 100 प्रश्न होंगे जो कि महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम पर भी आधारित है। तो आपको इसे बहुत ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण दिवस को भी हम एक एक डिटेल में जानेंगे। और यहाँ पर उनके दिवस और उसकी थीम क्या है ये भी पूछा जाएगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनकी थीम क्या है वो भी हम जानेंगे। और यहाँ पर महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह किए गए हैं, कौन कौन से किए गए हैं, कहाँ पर किए गए हैं, उनसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी डिस्कस करेंगे। और नवीनतम शब्द संक्षेप, नए जो भी शब्द संक्षेप आए हैं 2019 से लेके 21 के बीच में उन सभी को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई नवीनतम मौद्रिक दरें क्या हैं उन्हें भी जानेंगे। और यहाँ पर वन लाइनर को हम एक अलग वीडियो में देखेंगे और बाकी को हम इधर दो वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो हमने अभी यहाँ पर देखा आज वस्तुनिष्ठ टाइप के इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट मुख्य आकर्षण भी दिए गए हैं इसमें। यहाँ पर ये इस स्पीडी वार्षिकांक में मुख्य आकर्षण दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो टोक्यो ओलंपिक से संबंधित प्रश्न है, नवीनतम केंद्रीय मंत्री, हाल ही में नवीनतम केंद्रीय मंत्री कौन कौन से बनाए गए हैं जो मंत्रिमंडल का
गठन किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं उसमें, वो सभी जानेंगे। और 74वां कान से फिल्म फेस्टिवल के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर ये खेल से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण रिपोर्ट एवं सूचकांक 2021 के लिए क्या होने वाला है, केंद्रीय बजट से भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम देख लेंगे, आर्थिक समीक्षा भी जान लेंगे, केंद्र सरकार और राज्य की योजनाएं और सैन्य अभ्यास क्या है, प्रमुख सैन्य अभ्यास भी देखेंगे, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो भी देखेंगे, और यहाँ पर सम्मेलन और समारोह, तो यहाँ पर ये हाईलाइटेड पॉइंट है, इन सभी को हम देखने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, और ये जो भी प्रश्न हैं ये राष्ट्रीय होंगे, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, पुरस्कार, सम्मान हो, खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर आधारित सभी प्रश्न होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम वन लाइनर लेकर आने वाले हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग से ये जो भी प्रश्न दिए गए हैं कंटेंट में, पहले हम वन लाइनर लेंगे, और उसके अलावा यहाँ पे कौन क्या ये करके यहाँ पे लगभग 14-15 चैप्टर तक हम यहाँ पर इकट्ठा एक ही वीडियो में कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में 3-4 वीडियो में मैं इस बुक को पूरी कवर करवा दूंगी, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही।